गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम करेंगे यूज़ ऑफ दिस और दैट। तो आज मैं आपको करवाऊंगी यूज़ ऑफ दिस और दैट। आज हम समझेंगे यूज़ ऑफ दिस और दैट के बारे में। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ दिस के बारे में। दिस इज़ यूज टू टेल अबाउट द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट। जो दिस होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? जो चीज़ हमारे पास होती है, नियर होती है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? दिस का यूज़ करते हैं, क्योंकि दिस मीन्स होता है यह है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका दैट। दैट इज़ यूज टू टेल अबाउट फादर ऑब्जेक्ट। जो चीज़ हमसे दूर होती है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? दैट का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं वह चौक है, वह डस्टर है, वह आम है। तो वह को इंग्लिश में दैट कहते हैं और यह को इंग्लिश में दिस कहते हैं, ठीक है। पता चल गया आपको, दिस को यह है और दैट को हम कहते हैं वह। तो अगर हमें ये कहना है कि यह है यह सेब है, यह आम है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? दिस का। और अगर हमें कोई चीज़ हमसे दूर है कि वह पेड़ है, वह पहाड़ी है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? दैट का, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट लाइन से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। आप सभी बुक में देखेंगे मेरी, लुक एट दी बुक। सभी बच्चे मेरी बुक में ध्यान से देखेंगे, जहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पर आप सभी अपनी फिंगर रखेंगे। सबसे पहले आप देखें, फर्स्ट लाइन में एक टब बना हुआ है। टब जो है वो पास में है। जो चीज़ इधर साइड है वह यह है, और जो इधर है वो है हमारी वह है। उसके लिए दैट का यूज़ हुआ है, इधर वाली के लिए दिस का यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आपका लिखा हुआ है, जहाँ पर मैं पढ़ूँगी वहाँ पर आप सभी अपनी फिंगर रखेंगे, ठीक है। टी एच आई एस दिस, आई एस इज, ए टी यू बी टब, दिस इज ए टब। क्या लिखा हुआ है? दिस इज ए टब, दिस इज ए टब। एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं, टी एच आई एस दिस, आई एस इज, ए टी यू बी टब। यह एक क्या है? यह टब है। तो आपको ये पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ेंगे आप? यह जो है, ये जो है आपका इधर, ये देखें जिस पर मैंने सर्कल किया है, यह है आपका टब। क्या है ये आपका? टब, ओके। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? टी, फिंगर रखें जहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, टी एच आई एस दिस, आई एस इज, ए टी यू बी टब, दिस इज ए टब। यह एक टब है, दिस इज ए टब, ओके। अब नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, जग बना हुआ है ये आपका, ये क्या है आपका? जग, ठीक है। तो अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, टी एच आई एस दिस, आई एस इज, ए जे यू जी जग, दैट इज ए जग। टी एच ए टी दैट, आई एस इज, ए जग, दैट इज ए जग। वह एक जग है, वह एक जग है। कैसे पढ़ेंगे इसको हम? टी एच ए टी दैट, आई एस इज, ए जे यू जी जग, दैट इज ए जग। वह एक जग है, दैट इज ए जग, दैट इज ए जग। टी एच ए टी दैट, आई एस इज, ए जे यू जी जग, ओके। अब नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, ये देखें इधर, लुक एट दी बुक, बुक में देखें सभी, ये आपका मैंगो बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मैंगो बना हुआ है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे इसके लिए हम? दिस का। टी एच आई एस दिस, आई एस इज, ए एम ए एन जी ओ मैंगो, दिस इज ए मैंगो। यह एक आम है। टी एच आई
एस दिस आई एस इज ए एम ए एन जी ओ मैंगो दिस इज ए मैंगो कैसे पढ़ेंगे इसको हम दिस इज ए मैंगो टी एच आई एस दिस आई एस इज ए एम ए एन जी ओ मैंगो दिस इज ए मैंगो आगे देखें नेक्स्ट लाइन पे इस साइड देखेंगे आप ये आपका बनाना बना हुआ है क्या दिया हुआ है आपका ये बनाना दिया हुआ है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हमें दैट का यूज़ करना है क्योंकि हमसे दूर है तो इसके लिए हम वह का यूज़ करेंगे दैट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे टी एच ए टी दैट आई एस इज ए बी एन ए बनाना पी ए एन एन ए बनाना टी एच ए टी दैट आई एस इज ए बी एन ए बनाना बी एन ए बनाना दैट इज़ ए बनाना वह क्या है वह एक केला है देखें एक बार और लुक एट द बुक टी एच ए टी दैट आई एस इज ए बी एन ए बनाना दैट इज़ ए बनाना दैट इज ए बनाना ओके नेक्स्ट लाइन पर आएंगे यहाँ देखें वन साइड आपका किंग बना हुआ है और दूसरी साइड आपकी क्वीन बनी हुई है ना दूसरी साइड आपकी क्या बनी हुई है क्वीन बनी हुई है तो सबसे पहले आप दिस वाले पर देखेंगे टी एच आई एस दिस देखें इधर लुक एट द बुक टी एच आई एस दिस आई एस इज ए के आई एन जी किंग दिस इज ए किंग यह एक राजा है दिस इज ए किंग दिस इज ए किंग आगे देखें नेक्स्ट लाइन पे इधर आपकी क्वीन बनी हुई है टी एच ए टी दैट आई एस इज ए क्यू यू डबल ई एन क्वीन दैट इज़ ए क्वीन टी एच ए टी दैट आई एस इज ए क्यू यू डबल ई एन क्वीन दैट इज़ ए क्वीन दैट इज़ ए क्वीन कहाँ है क्वीन ये देखें इधर आप ये है आपकी जिस पर मैं सर्कल कर रही हूँ वो है आपकी क्वीन ठीक है तो दैट इज़ ए क्वीन वह एक रानी है वह रानी है दैट टी एच ए टी दैट आई एस इज़ ए क्यू यू डबल ई एन क्वीन दैट इज़ ए क्वीन टी एच ए टी दैट आई एस इज़ ए क्यू यू डबल ई एन क्वीन क्यू यू डबल ई एन क्वीन दैट इज़ ए क्वीन टी एच ए टी दैट आई एस इज ए क्वीन दैट इज ए क्वीन वह रानी है दैट इज ए क्वीन आगे देखें नेक्स्ट लाइन पर आएंगे नेक्स्ट लाइन पर देखेंगे आप एक फैन बना हुआ है क्या बना हुआ है फैन ये रहा आपका फैन और ये कहाँ पर रखा हुआ है ये पास रखा हुआ है तो इसलिए हम इसमें किसका यूज़ करेंगे दिस का यूज़ करेंगे पढ़ना स्टार्ट करें सभी टी एच आई एस दिस आई एस इज ए फैन दिस इज ए फैन दी टी एच आई एस दिस आई एस इज ए एफ एन फैन टी एच आई एस दिस आई एस इज ए एफ एन फैन दिस इज ए फैन
दिस इज ए फैन। आगे देखें, आगे देखें नेक्स्ट लाइन पर, दैट इज ए काइट। अब ये देखें, दिस इज ए फैन के बाद है आपका काइट, दैट इज ए काइट। काइट पर देखेंगे सभी बच्चे, ये आपकी काइट है, ये काफ़ी दूर है, तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, टी एच ए टी दैट का, टी एच ए टी दैट, आई एस इज ए के आई टी ई काइट, दैट इज ए काइट, टी एच ए टी दैट, आई एस इज ए के आई टी ई काइट, दैट इज ए काइट। आगे देखें नेक्स्ट लाइन पे, एक बार और रीडिंग करेंगे इसकी, टी एच ए टी दैट, आई एस इज ए के आई टी ई काइट, दैट इज ए काइट, वह क्या है, एक पतंग है ना। अब नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, लास्ट लाइन है ये आपकी, यहाँ देखें आपकी कार बनी हुई है, ये है ना, कार बनी हुई है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टी एच आई एस दिस आई एस इज ए सी ए आर कार, दिस इज ए कार, टी एच आई एस दिस आई एस इज ए सी ए आर कार, दिस इज ए कार। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखें आप बोट बनी हुई है, ये बोट बनी हुई है, अब हम इसको रीड करेंगे, टी एच ए टी दैट आई एस इज ए बी ओ ए टी बोट, दैट इज ए बोट, टी एच ए टी दैट आई एस इज ए बोट, दैट इज ए बोट, वह एक नाव है, टी एच ए टी दैट आई एस इज ए बोट, दैट इज ए बोट। तो ओके क्लास, आपने आज क्या सीखा है, आज आपने सीखा है यूज़ ऑफ दिस और दैट। तो जैसे मैंने आपको इसकी रीडिंग कराई है, आपको समझाया है, ऐसे ही आपको इसकी रीडिंग करनी है और इसको आपको समझना है, ठीक है, फिर मैं आपको इसको नोटबुक में करवाऊँगी। ओके क्लास, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।